सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट भी है। मदीना शरीफ में जब वो मस्जिद नबी से वापस आ रहे थे तो वो बड़ा आपदीदा थे, चेहरे पे जो तासुरात थे वो जुदाई के वो साफ नज़र आ रहे थे। तो इस पे अरब मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बाद में पॉजिटिव कमेंट किए, बाद में नेगेटिव कमेंट किए। तो और बाद में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से तशबीह दी और किसी ने किसी के साथ, किसी ने हजरात सहाबा के साथ तशबीह दे दी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ना तो किसी ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ तशबीह देनी चाहिए, सहाबा कराम हजरात सहाबा कराम रिदवानल्लाह ताला अजमईन के साथ तशबीह देनी चाहिए, मगर मैं एक बात करना चाहता हूँ। इस हवाले से भी बाद लोग तनकीद कर रहे हैं कि क्यों उनको सहाबा के साथ तशबीह हर सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ऐसा होना चाहिए, उसकी वजह कता ऐसी होनी चाहिए कि कुछ दूर से देखे तो कहे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। तो वह बाबा जी की इंकिसारी और आजजी थी, तो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी मुकद्दर की बात थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, अल्लाह ने उन्हें अपने घर में बुला कर नवाज दिया। और बताया यही जाता है कि बाबा जी के पास ना कोई दौलत थी और अरसा दराज से वो इसी लगन में थे, इसी मगन में थे कि कब हुजूर की गलियां में देखूं। तो मेरे शेख शाह किस्मती जे मैं भी जे यार वेखा मदीने दी गलियां ते बाजार वेखा, उनके दिल की ये आरजू थी, ये तमन्ना थी कि काश मैं भी हुजूर की गलियां देख कर आऊं, काश मैं भी हुजूर के उन रोजा अकदस की जालियों को बोसर के तक लूं। तो अल्लाह ने वो आरजू पूरी कर दी। बाबा जी कहते हैं कि मैंने अपनी सारी बकरियां जो थी कुल सरमाया था बेच कर हाजिर हुई थी। अब वापसी जब आए तो लोगों ने कमेंट किए उनकी आजजी पे, उनकी इंकिसारी पे, मगर वो बाबा जी का ये बिल्कुल मौकिफ नहीं था कि मैं ऐसा लगता हूँ। वो तो आजजी के इंकिसारी के साथ जो कमेंट थे कि लोगों ने कहा कि वो ऐसा दिखते हैं, वो ऐसे लगते हैं, बरहाल बाबा जी की ऐसी कोई चाहिए कि हम उनको किसी सहाबा के साथ या किसी पैगंबर या किसी नबी के साथ तशबीह नहीं देनी चाहिए, बल्कि यही है कि आका अलैहिस्सलाम के एक आजजी और उनके सारी वाले सारी वाले बुजुर्ग थे। अल्लाह पाक उनका आका अलैहिस्सलाम के दर पे आना, हाजिरी देना, लगवाना और अल्लाह के हुजूर हाजिर होना अपने पाक बारगाह में आजजी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी हुजूर के देश आए तो हम इतनी मगन और लगन के साथ आका के देश में हाजिरी पेश करें कि कुछ देखने वाला रश्क कर उठे कि ये के कि ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। तो हम सबको ये चाहिए कि इस अंदाज के साथ हम जहाँ भी हों, जहाँ से गुजरें तो कोई कहे कि यहाँ से मुसलमान का उम्मती गुजरा है, तो वो महक, वो मोहब्बत, वो लगन, वो खुशबू, वो महक रही है। मुसलमान बनना चाहिए कि हमारे किरदार जो हैं वो चमकें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए।